right after, almost right after 11 years of a rigorous martial law by one of the dictators, General Ziaulhaq, there was a crying need to speak up, to bring together not only the political parties, but also common people who had gone into a kind of a frenzied shock. That was one of the reasons we created South Asia Partnership Pakistan. Initially, it was that let's help create a kind of a strong civil society in Pakistan, mostly in rural areas and especially those districts which were kept deprived. There was a need to create a kind of a South Asian entity where common people meet with each other, talk of peace, talk of tolerance, and there's a kind of an economic activity around that too. Two major reasons. One was, of course, creating a strong civil society, speaking for their own fundamental rights, and especially the rights of minorities, women, and people who have kept deprived. Second, to create a kind of South Asian entity in Pakistan and other countries where poor people meet and talk of living together in a peaceful manner. SAP probably is one of the organizations that may have at that point realized that the balance of the state power has to be created by the civil society. It is because of this vision that a very open society vision developed, where women's equality mattered, the dignity of women in this country mattered, equal status of women, both legal and social, started to matter. जज्बा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में पिछले जो आप समझें 30 साल से बहुत सारी समाजी तंजीमों किसी हद तक सियासी जमातों की एक कोशिश रही है कि इस मुल्क में जहाँ जमहूरियत या सियासत की बात होती है उसमें अभी औरत का जो किरदार है या औरत की जो शिरकत है वो बहुत ही कम है. हम मकामी सतह से औरतों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर कौमी सतह पर असम्बलियों में कानून के अंदर रिफ्लेक्ट होगी और वो निज़ाम उस तरह से बेहतर होगा. है ना जमहूरी निज़ाम चलते हैं. बहुत बड़ी आबादी को बाहर रखकर आप निज़ाम चलाना चाहेंगे तो ना तो वो डिलीवर करेगा, ना ही मेजॉरिटी जो उसके बाहर होगी वो उसको कभी भी ओन करेगी. सो ये बुनियादी फलसफा है जज्बा प्रोग्राम का और साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान का. जज्बा को ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं. जज्बा में आने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ मिली कि वो ये कि मुझे अपने अख्तियारात, अपने हकूक और अपने लोगों के लिए उनकी मदद करना, उनको आगे लेके जाना, उनको बूस्ट करना, ये मुझे जज्बा के प्लेटफॉर्म से मिला. सबसे पहले तो ये था कि हमें जज्बा से पहले ये नहीं पता था कि हमने किस तरीके से जाके असम्बली के फ्लोर पे जाके हमने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे आगे करना है. हमने जो एक्शन प्लान बनाने हैं, उसके बाद हमने जो वहाँ पे बजट के बारे में बताना है, हमें क्या चीज़ मिल रही है, हमारा बजट हमने कहाँ से रेज करना है, किस तरह से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें हमें जज्बा ने सिखाई हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डोर टू डोर कम्पेन की है. हमने उनको वोट का इंदराज करने का तरीका और वो सारी चीज़ें बताई. हमारा जो टर्न आउट था वो 2015 की निस्बत कहीं ज़्यादा था. औरत के बग़ैर मुल्क चलाना
या पॉलिसी बनाना या कानून साजी करना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सारे कवानीन मर्दों के लिए बना रहे हैं, औरत का तो उसमें कोई असर नहीं होगा। तो ये सोच गलत थी और हमने कोशिश कर रहे हैं जज्बा के ज़रिए कि औरत पॉलिसी साजी का हिस्सा बने। जब हम लोग एक्टिविज्म की बात कर रहे होते हैं, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है सैप पाकिस्तान, उनसे मेरी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे इशू एक ये भी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम बात करें स्पेशली, तो उनकी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो इसमें सैप पाकिस्तान ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी, चीज़ें बताईं, समझाई कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को आगे आगे लेके चल सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग मोबिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरह मैं बल्कि ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर जाती हूँ, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करती हूँ रिगार्डिंग देयर राइट्स। अगर आप मैं कहूँ कि हकूक क्या क्या मिले हैं, तो तालीम का हमें मिले, सेहत के हम लोगों को हकूक मिले हैं, वोट डालने का हम लोगों को हकूक मिले हैं, और अगर हम वोट डाल सकते हैं तो हम लोग जो है इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। डिफरेंट एरिया में जाके, डिफरेंट डेरों पर जाके, घरों में जाके लोगों को सेंसिटाइज करते हैं हम लोग। मेरा जो इसमें मोटिव है वो ज़्यादा यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम लोग इतना विजिबल करें, एम्पावर्ड करें और डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग उनको इन्वॉल्व करें। ये तो नहीं है ना सिर्फ कि हम लोगों को सीटों पे आना है, हम लोगों को उसके बाद हमें काम भी करना है, हम लोगों को और बढ़ना है, चीज़ों में लड़ना है और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। हम ये समझते हैं कि बग़ैर इंतखाबी असलाहत के, कि जिसके ज़रिए ख़वातीन, ख्वाजा सरा, ये जो अफराद बाहमी माजूरी हैं या जो अकलियती ख़वातीन हैं, जब तक वो इंतखाबी अमल में पूरी तरह से शामिल नहीं किए जाते, पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। मुझे एहसास हुआ कि हमारी माइनॉरिटी की जो फीमेल हैं वो बिल्कुल उसमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रही। अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत कम फीमेल हैं जो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। लेकिन ये है कि जज्बा ने इस चीज़ को मेरे अंदर डाला कि नहीं, आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं, आप भी औरतों के हकूक़ के लिए काम कर सकती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर अपने लिए कर सकती हूँ तो मुझे दूसरी औरतों के लिए भी निकलना चाहिए जिनका ये राइट है। जज्बा ने सबसे पहले ट्रेनिंग्स दी कि अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाह रही हैं तो आपके फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें बताया गया ने उसमें लोगों को कैसे मोटिवेट करना है ताकि वो आपको वोट डालें। हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में काम करना होता है तो उसकी हमारी मंथली एक मीटिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट मतदान में बहुत सारे गांव हैं तो हर एक को हमने डिवाइड किया होता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां जिस गांव को आप एक्सेस कर सकते हो, जिस विलेज काउंसिल को आप एक्सेस कर सकते हो, आप वहाँ पर जाएँ और सेशन करें। और एहसास अच्छा था पैसे मिलाओ शवी दी लगा आई डी कार्ड जोड़ लो एहसास के रजिस्ट्रेशन को। मैं एक मिसाल बनना चाह रही थी अपनी कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन फीमेल के लिए, इसी तरह हमारी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी मैं मिसाल बनना चाह रही थी। तो मैंने अपनी कोशिश को, अपनी काविश को नहीं रुकने दिया, मैं उसे चलती रही और मैंने खुद को पहले, क्योंकि मैं खुद एम्पावर होंगी तो फिर ही मैं किसी को एम्पावर कर सकती हूँ। 2020 में ये जज्बा फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये मैंने ज्वाइन किया। जब मैंने जज्बा डिस्ट्रिक्ट फोरम ज्वाइन किया तो इनकी ट्रेनिंग्स और सेशंस लेने के बाद मैं पहले से बेहतर तरीके से अब काम करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव हमारा माहौल है बलोचिस्तान का स्पेशली, तो वो मर्दों के पास तो जाना पसंद नहीं करती थी, वो मेरे पास आती थी, मैं अपनी मदद आपके तहत फिर मैंने काम शुरू किया, आगे बात पहुँचाती थी। अगर 10 काम होते थे 10 में से एक होता था मुश्किल से। अभी जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो ख़वातीन ऐसी होती जिनके आई डी कार्ड्स ही नहीं होते, और जब वोटिंग टाइम होता है तो कितनी ख़वातीन थी जो मेरे साथ मेरे हक में थी लेकिन उनके पास आई डी कार्ड नहीं था कि वो वोट कास्ट कर सकें। तो बजाय इसके कि मैं उनको नादरा लेके जाऊं वहाँ पर वो 10-10 घंटे खड़ी हूँ लाइनों में, यहाँ पर मैं लाती हूँ और यहाँ पर इनके अपने बंदे होते हैं और वो खुद बल्कि तो गाड़ी घर पर भेज देते हैं कि भाई जो अब जिन्होंने बनवाने हैं, तो अब इससे भी ये काम आसान हो गया। जज्बा फोरम के थ्रू जब हमारी ट्रेनिंग हुई कि आपने इनको अवेयरनेस देनी है कि आपने खड़ा होना है अपने हक के लिए, अपने इलेक्शंस में खड़ा होना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर मैंने ये सेशंस इनके लेने के बाद अपने एरिया में ख़वातीन को इकट्ठा किया
कम्युनिटी बेसिस पे। बोला कि अगर आपका ऐसा कोई मसला होगा तो आप मेरे तक आएंगी और उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगी। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं इन फ्यूचर एज आज़ाद उम्मीदवार मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी और मैं अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकती हूँ।